गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज डे 7। और डे 7 में आज देखिए आपको मैं आगे का जो भी है टॉपिक वो क्लियर करूंगी। सो देखिए, काइंड्स ऑफ लाइन, आज हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइन। कितनी तरह की लाइन्स होती है? 3 टाइप्स की, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन स्लीपिंग लाइन, जो इस तरह से होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो स्लीपिंग लाइन होती है। ए बी इज हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लीपिंग लाइन। एंड देन बी वर्टिकल स्टैंडिंग लाइन, जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी स्टैंडिंग मीन्स खड़ी होती है, एक तरह से पूरी स्ट्रेट होती है। सो ये हमारी स्टैंडिंग लाइन होती है, ठीक है। एंड ऑब्लिक स्लेंटिंग लाइन, जो ऑब्लिक लाइन होती है हम उसे स्लेंटिंग लाइन भी बोलते हैं। जो स्लेंटिंग लाइन होती है थोड़ी सी हमारी क्या होती है, इस तरह से होती है, झुकी हुई होती है, मीन्स ना स्ट्रेट होती है ना स्लिपिंग होती है, वो थोड़ी सी हमारी इस तरह से रहती है, ठीक है। सो ये हमारी स्लेंटिंग लाइन है। अब देखिए 3 लाइन्स है, अब 3 लाइन्स को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सो देखिए, आपको ये 3 लाइन्स के बारे में मैं पूरा बता रही हूँ। आप देखिए, आपको फर्स्ट लाइन यहाँ पर ज्वाइन की हुई है, यहाँ पर बोल रखा है आपको प्रैक्टिस टाइम 2.2, ज्वाइन दिस डॉट्स बाय ड्रॉइंग एन स्ट्रेट लाइन, ऑल्सो राइट द टाइप ऑफ लाइन रो 1 इज डन फॉर यू। आपको यहाँ फर्स्ट किया हुआ है, देखिए 2 डॉट्स थे, हमने इसे मिलाया, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी कौन सी लाइन बनी, वर्टिकल लाइन बनी। अब उसी तरह हमें यहाँ 2 डॉट्स दे रखे हैं, तो हम स्केल की हेल्प से इसे क्या करेंगे, मिलाएंगे, है ना। तो ये हमारी कौन सी लाइन बनी, स्लेंटिंग लाइन, ठीक है। अब हमारे पास 2 डॉट्स और हैं, तो 2 डॉट्स हम और मिलाएंगे। सो 2 डॉट्स को हम मिलाएंगे तो हमारी कौन सी लाइन बनी यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 3 लाइन्स हमारी बन चुकी है। उसके बाद में अब बी वाला है, बी वाले में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइन डू यू सी, काउंट देम। अब आपको यहाँ पर एक ये हर्ट बनी हुई है, इसमें आपको लाइन काउंट्स करके यहाँ पर फील करना है। तो वर्टिकल लाइन कितनी है, तो वर्टिकल लाइन कैसी होती, इस तरह से होती है। तो वर्टिकल लाइन कितनी है, 1, 2, 3, कितनी लाइन हो गई आपकी वर्टिकल, 3, तो आप लिख देंगे 3। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है आपकी, ऐसी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी लाइन हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल, 5। उसके बाद में आपकी लास्ट है स्लेंटिंग, स्लेंटिंग लाइन आपकी इस तरह से होती है, तो काउंट कीजिए 1, 2, 3, कितनी लाइन हो गई आपकी स्लेंटिंग, 3। तो इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है अपनी बुक के अंदर। ये आपका 2.2 का कंप्लीट जो है वर्क मैंने बुक में करवा दिया है। आप चाहे तो इसमें कलर भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा कलर्स और इसे अपनी बुक में कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।